कितना टाइम सर, 2008 में वादे किए गए भद्रवाह की जनता के साथ कि यहाँ पे लाइट एंड शो के शो किया जाएगा और भी बहुत सारे यहाँ पे ये होगा वो होगा, वो तो अभी तक जमीनी स्तर पे तो कुछ भी नहीं देखने। प्लांट्स अभी 350 के करीब प्लांट्स इस समय यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, क्या ये आने वाले अगले साल में 350 के 350 रहेंगे या 350 के 85 रहेंगे, इसकी प्रॉपर देख रेख भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी? भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ साहब बालकृष्ण जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे कुछ जरूरी जानकारी जो है वो आज हम लेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया, थैंक यू जी। बड़े सालों के बाद आज यहाँ पे एक ड्राइव देखने को मिली कि बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लांटेशन जो है की जा रही है, पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन इसको बनाया जा रहा है किले को, कुछ हद तक बड़ी ही अच्छी अच्छी बात है ये। लेकिन पिछले दिनों भी जब वाइब्रेंट फेस्टिवल यहाँ पे किया गया उस समय भी यहाँ पे कुछ पेड़ लगाए गए थे, लेकिन वो इस समय आप देख रहे हैं कि बड़े कम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या उनकी प्रॉपर देखरेख नहीं की गई, उसके पीछे का क्या कारण है सर? या ये जो प्लांट्स अभी 350 के करीब प्लांट्स इस समय यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, क्या ये आने वाले अगले साल में 350 के 350 रहेंगे या 350 के 85 रहेंगे, इसकी प्रॉपर देख रेख भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी? पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी धन्यवाद सर। आपने जहाँ तक बात करी फोर्ट की डेवलपमेंट की यहाँ की जी, तो शुरुआत आपने खुद ही वाइब्रेंट फेस्टिवल से करी है जी। तो मैंने नवंबर में ज्वाइन किया यहाँ, दिस माई सेकेंड टेन्योर जी। तो दिसंबर में हमारे यहाँ फेस्टिवल हुआ और आपको इसी बात से अंदाज़ा होगा कि चूंकि हमने 5 रोज़ा जो हमारा 5 डेज का जो वाइब्रेंट फेस्टिवल का था भद्रवाह का, उसका हमने इनॉग्रेशन यहाँ से किया था, तो उसी से आप जान गए होंगे कि हमारा फोकस जो है आने वाले टाइम में भद्रवाह फोर्ट पे रहेगा। उस टाइम भी हमने यहाँ अच्छी साफ सफाई करवाई थी और अब उसके चलते हुए अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम अच्छे लेवल से पीछे अगर देखोगे आप तो चमन बना रहे हैं जिसमें फूल लगाए जाएंगे, बेड्स बना रहे हैं, ऊपर साफ सफाई की जा रही है, चैनल हमने ठीक करा है। आपने बात करी कि पेड़ यहाँ लगाए गए थे वो नहीं हो पाए, इसमें मेन रीज़न ये था कि हमारा जो आप भी देख रहे हो कि इसका काम चल रहा है, फोर्ट का काम चल रहा है, तो इसका मेन गेट जो है वो ऑर्नामेंटल गेट जो अभी बनना बकाया है, तो लेकिन मीनवाइल मैंने ये क्या किया है कि हमने एक अभी टेम्परेरी तौर पे गेट उसको बना दिया है। वही सुनने में आया था कि रानी गेट की तर्ज में ऐसा कुछ कुछ बड़ा गेट बनेगा, वो तो बनेगा, गेट तो बनेगा, लेकिन बहरहाल अभी क्योंकि विजिटर्स यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे अंदर देखने के कुछ मिले विजिटर्स को, उस चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पर सारा फ्लावर्स वगैरह हम करवा रहे हैं। और अब जबकि आज हमें एक बहुत अच्छा सहयोग मिला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से, मैनेजर साहब मेरे साथ खड़े हैं और इनके स्पॉन्सरशिप में हमने यहाँ पर एक प्लांटेशन ड्राइव करा हुआ है जिसमें 350 के करीब 350 तक के उन्होंने पेड़ हमें दिए हैं और पूरा जो फोर्ट का एरिया है ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ग्रीन होगा और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये ग्रीन ही रहेगा। अगर 350 लगे हैं तो 350 ही कामयाब होंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और चैनल में अभी आपने साफ सफाई देखने को मिली क्योंकि मैंने पिछले दिनों स्टोरी भी की थी यहाँ की, उस समय तो यहाँ की हालत बड़ी ही खस्ता थी और इस समय मैं देख रहा हूँ चैनल बिल्कुल साफ है। ये नीचे आके आप देख रहे हैं कि ये जो पाउंड यहाँ पे बनाया गया ये भी बिल्कुल साफ किया गया, अंदर घास की कटाई भी चल रही है, ये ऐसे ही चलता रहेगा काम या थोड़े देर ही आके? और फिर देखिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है आपने स्टोरी करी होगी, सच बता रहा हूँ मैंने वो स्टोरी नहीं देखी है जी। क्योंकि हमारा मेन फोकस जो रहा वो वाइब्रेंट फेस्टिवल के बाद यहाँ पर फोकस रहा है हमारा, हमारी अप्रोच फोकस थे और हम आने वाले टाइम के लिए भद्रवाह फोर्ट को एक अट्रैक्शन बनाने जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात बता दूँ कि भद्रवाह फोर्ट और सिलीगढ़ सामने जो हमारा रिजॉर्ट है जी, इसको एक आले पाए का डेवलपमेंटल एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है और इसको आने वाले टाइम के लिए हम डेस्टिनेशन वेडिंग बना, आजकल का जो नया कंसेप्ट है क्योंकि कश्मीर में चल पड़ा है जैसे बाकी स्टेट्स में है, हम चाहेंगे कि यहाँ पर थ्रू आउट इंडिया से फॉरन से भी कोई आके मैरिजेस करें, तो डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रपोजल है। अभी रिसेंटली यहाँ पर हमारी एक एक्सपर्ट टीम ने विजिट करा है और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमसे मांगी है और वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं और दे आर अंजाब और अनकरीब ही उसका डीपीआर शायद हो जाए,
तो हमारी जो सेक्रेटरी मैम हैं बहुत ही पर्टिकुलर हैं, भदोही फोर्ट के बारे में चीफ सेक्रेटरी सर बहुत ही पर्टिकुलर हैं, और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये भदोही के लिए बहुत ही, भदोही टूरिज्म के हवाले से मैं कहूँ तो भदोही फोर्ट और टीलीगढ़ का जो ये डेस्टिनेशन वेडिंग बनने जा रहा है ये कारगर साबित होगा। और उस टाइम तक, क्योंकि इट विल टेक टाइम, ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनने के लिए टाइम चाहिए, ओवरनाइट सब चीजें। कितना टाइम सर, 2008 में वादे किए गए भदोही की जनता के साथ कि यहाँ पे लाइट एंड शो के शो किया जाएगा और भी बहुत सारे यहाँ पे ये होगा वो होगा, वो तो अभी तक जमीनी स्तर पे तो कुछ भी नहीं देखने को मिला। बता दूं मैं आपको, आपका कहना ठीक है लेकिन इतना भी नहीं है कि कामयाब। देख रहे हो ये ऑर्नामेंटल काम लगा हुआ है, ये दीवार लगी हुई है, फेंसिंग लगी हुई है। अब मेन जो है हमारा लाइट एंड साउंड का है, वो प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है और वो भी पाइपलाइन में है, उसके लिए कंसल्टेशन चल रही है, उसके लिए हमें कंसल्टेंट लेना है और ये भी अनकरीब हो जाएगा। लेकिन मीनवाइल जो हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग का है वो भी साथ साथ में चल रहा है, तो उसको टाइम, उस टाइम को देखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि तब तक हमारा फोर्ट जो है साफ शफाफ रहे और यहाँ पर टूरिस्ट जो आ रहा है उसको कुछ देखने को मिले। उस बात को देखते हुए हम इसको ग्रीन क्लीन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप यहाँ पर देखोगे चैनल में पानी आ जाएगा, बीच में यहाँ पर जो लेक है ये बनी रहेगी और आसपास में सारे फूल और सारा अच्छे तरीके से प्लांटेशन है। दर्शकों, ये कुछ कहना था भदोही डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ साहब का। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो जो वादे इन्होंने हमारे साथ किए हैं ये अपने वादों के ऊपर खरे उतरे और भदोही की जनता को जैसे पिछले टर्नओवर में इन्होंने खुश किया था उसी प्रकार से इस साल भी, इस वाले जो इनका कार्यकाल है इसमें भी अच्छे तरीके से भदोही की डेवलपमेंट होगी।